डॉक्टर हैनगिल पार्क ने अपना बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री को क्योंगी यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। उन्होंने पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वुंगसुंग यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया। उसके बाद कनाडा क्रिश्चियन कॉलेज से ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ मिशनरी की डिग्री भी उन्होंने हासिल की और WFDA से काउंसिल मेंबर भी रहे। 1992 में ऑस्ट्रेलिया की एक MLM कंपनी को ज्वाइन किया। उसके बाद 1995 में उसी MLM कंपनी की सबसे हाईएस्ट रैंक को हासिल किया। 1999 में कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे और उन्हें ग्रैंड प्राइज भी मिला। ईयर 2000 में iamkorea.com के फाउंडर रहे। ईयर 2013 में जनरल ऑफ कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के वाइस चेयरमैन रहे। 2015 से लेकर 2018 के बीच कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे और 2019 में वे कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए और 2009 से लेकर अभी तक एटमी कॉरपोरेशन लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पार्क हैं। ये काफी प्राउड हमें फील होता है उनकी जर्नी को देखकर और बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ वीडियो द्वारा डॉक्टर हैनगिल पार्क ने अभी तक सभी के साथ शेयर की है। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम आपके साथ वो वीडियोस शेयर कर पाते हैं। आज की वीडियो जो हम देखेंगे कि कैसे एक साथ मिलके एक साथ काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी आज की वीडियो वर्क टुगेदर ग्रो टुगेदर मैसेज से प्रेरणा मिलती है। ये मैसेज को किस तरीके से डॉक्टर हैनगिल पार्क ने हमें समझाया है इसको देखने के लिए मैं दिलीप से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी वीडियो को प्ले करें। So now, as we have seen Dr. Hengil Park's journey, the success journey so far, this is time for us to watch a video which is based on work together, grow together, and we will learn a lot from this video. I would request Dilip to please start the video. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी कड़ी मेहनत की सराहना करता हूँ। हालांकि ये ऑटो सेल्स मास्टर के लिए एक वर्कशॉप है, मुझे लगता है कि इस व्याख्यान में उपस्थित लोगों की संख्या लगभग 2700 है। ऑटो सेल्स मास्टर बनना इतना आसान नहीं है, है ना? मुझे यकीन है कि आप में से कुछ यहाँ आसानी से पहुँच गए हैं, जबकि अन्य को ऑटो सेल्स मास्टर बनने में कुछ समय लगा। अब ऑटो सेल्स मास्टर एटोमी में पहली मास्टरशिप है। यदि हम रॉयल लीडर्स क्लब का सदस्य बनने पर विचार करें और सफलता के रूप में प्रति माह लगभग 36 लाख रुपए कमाते हैं, ऑटो सेल्स मास्टर जो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख प्रतिमाह कमाते हैं, मुआवजे के मामले में सफलता के रास्ते का केवल 10वां हिस्सा है। हालांकि जब समग्र व्यवसाय प्रगति को देखते हैं, आप अनिवार्य रूप से वहां आधे से कुछ अधिक हैं। 36 लाख प्रतिमाह कमाने की ऊंचाइयों पर पहुंचना, उदाहरण के लिए टेनिस बॉल और बॉलिंग बॉल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा चक्कर पूरा करने के लिए समान होगा। फिर भी उनके रोटेशन के परिणाम अलग होंगे। जब आप 36 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंचने की राह पर हैं, आपको शायद 10,000 या 50,000 इधर उधर भी मिलेंगे। जब इन सभी को जोड़ा जाएगा तो ये महीने के लिए कुल 70,000 से 1,40,000 रुपये तक हो जाएगा।
कुछ समय बाद जब आप एक बिंदु पर होंगे जहां आप 2.5 लाख से 3 लाख प्रति माह कमा रहे होंगे, तो यदि आप अब तक टेनिस बॉल की तरह लुढ़कते रहे हैं तो अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं। इस प्रकार जब आप लुढ़कना शुरू करते हैं तो आप एक बॉलिंग बॉल के करीब होते हैं। इसीलिए 3.5 लाख रुपए पर आपका रोल आपको 7 लाख प्रति माह कमाने के लिए मिलेगा। 7 लाख से आप आसानी से 14.5 लाख प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जब आप 14.5 लाख पर पहुंच जाते हैं तो ये लंबा नहीं होगा, आपको प्रति माह 30 लाख से 36 लाख प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसे आप सोच सकते हैं, मैं पहले से ही आधे रास्ते से अधिक हूँ। चूंकि आपका अंतिम खिंचाव कोने के आसपास है, तो मुझे आशा है कि आप थोड़ा और ध्यान केंद्रित करेंगे और उस प्रयास में लगे रहेंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। अब आमतौर पर ऑटो सेल्स मास्टर बनने वाले लोग आखिरकार रॉयल लीडर्स क्लब के सदस्य बनते ही हैं, क्योंकि अब नीचे गिरने की संभावना बहुत कम है। अब जो पहले शुरू करते हैं वो पहले शुरू होने के कारण वहाँ पहले पहुँच पाएंगे। भले ही आप में से कुछ लोगों ने दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक समय लिया हो, यदि आप काम में सक्रिय थे, ये कुल मिलाकर एक लंबे समय की तरह महसूस नहीं होता, है ना? मेरा मानना है कि जब तक आप इस तरह से चलते रहेंगे, आप कुछ ही समय में रॉयल मास्टर्स बनने में सक्षम होंगे। जब आप रॉयल मास्टर बन जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, आपका रवैया और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उस समय जो रवैया आपका होना चाहिए वो आपके कार्य करने का तरीका होना चाहिए। यदि आप सचमुच बनना चाहते हैं रॉयल मास्टर, जिसका हर कोई सम्मान करता है, मान लेते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपके आसपास कोई आपका सम्मान नहीं करता, कैसा लगेगा? क्या आप इसे सच्ची सफलता कह सकेंगे? मुझे लगता है कि आप इसे आधा सफल ही कह सकते हैं। जब आप रॉयल मास्टर बनकर सफलता प्राप्त करते हैं, एक व्यक्ति बनना जरूरी है जो इस तरह के बयानों के साथ जयकार और तालियां प्राप्त करता है। वो इसके हकदार थे और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, अपने आसपास के लोगों से। इसीलिए मैं ये सबको कहता हूँ, आपको यह व्यवसाय शुरू करने की आवश्यकता है किसी सफल व्यक्ति की मानसिकता के साथ। यदि आप एक सफल व्यक्ति की मानसिकता रखना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा दिल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? खैर, आपको होना है कुछ नुकसान उठाने के लिए तैयार। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान है। सच तो ये है कि इन लोगों को होशियार नहीं समझना चाहिए क्योंकि वे बुरे होने की ओर अधिक झुकेंगे। इन लोगों को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें अपने आसपास के लोगों से कोई प्रशंसा नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में, नुकसान कैसे सहना है ये जानना बड़ा दिल और उदार दिमाग होने का मूल आधार है। यदि आपने खराब प्रायोजक के साथ शुरुआत की है तो ये एक झटका है ना? आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको कोई नुकसान नहीं उठाना चाहिए और एक बेहतर प्रायोजक खोजें जो आपकी देखभाल कर सके? या आपको उन परेशानियों का सामना करना चाहिए और असफलता के बावजूद सफलता प्राप्त करें? ठीक है, आपको हार के बावजूद भी सफल होने की जरूरत है क्योंकि ये आपकी सफलता को और अधिक सार्थक बना देगा। उस निर्णय के लिए आपने जो कीमत चुकाई है वो कभी भी जाया नहीं जाएगी, क्योंकि आपको मुआवजा दिया जाएगा और कई बार सम्मान दिखाया जाएगा। यदि आपके पास एक अयोग्य प्रायोजक है जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करता, ये वास्तव में आपके लिए एक बेहतर बनने का मौका बन सकता है। आपकी सफलता उतनी ही उज्जवल हो सकती है। मान ले आपके पास एक सक्षम और स्मार्ट प्रायोजक था जिन्होंने आपकी मदद की और आपने बिना मेहनत के अपना व्यवसाय बढ़ाया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रायोजक पहले से ही आपकी सफलता की ओर
आधा मार्गदर्शन करने में आपकी सहायता कर चुका है। आपको इस तरह के उदार और बड़े दिल की जरूरत है। हाल ही में आपने लोगों को कहते सुना होगा कैसे उनके पास अच्छी डाउनलाइन और समूह है। दूसरों की इस तरह की बातें सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि आपका समूह उतना अच्छा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उस अच्छे ग्रुप में शामिल होना चाहिए या अपने समूह को बेहतर बनाए? बिल्कुल, आपको बस अपने समूह को बेहतर बनाना है। वास्तव में एक सफल व्यक्ति यही करता है। मान ले कि आप एक अच्छे समूह से संबंधित हैं और आप सफलता के साथ साथ चले, आप कैसे कह सकते हैं कि आप वास्तव में सफल थे? सचमुच सफल लोग बदलेंगे, उनके बुरे समूह को अच्छे में बदल दे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का अवसर देखा। और जब हम अच्छे समूह के विषय पर हैं तो मैंने बहुत से लोगों को ऐसी बातें कहते सुना है, आप एक अच्छी डाउनलाइन में रहना चाहते हैं और आपको एक अच्छे समूह में रहने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने लोगों को ये बातें कहते सुना है, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने वाले वास्तव में मूर्ख हैं। लोग जो कहते हैं मेरी डाउनलाइन बेहतर है या मेरा समूह अधिक असाधारण है, बहुत होशियार नहीं होते, जिनका दिल बड़ा नहीं होता, और इस तरह से बोलने वाले बहुत बुद्धिमान नहीं है। यदि आप एटमी पर एक नजर डालें तो हम एक बाइनरी सिस्टम है। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसका उपयोग क्यों नहीं किया। ब्रेक अवे प्लान या यूनि लेवल या मेट्रिक सिस्टम, इस बाइनरी सिस्टम की जगह एटमी ने बाइनरी सिस्टम का उपयोग करना चुना, ताकि वे लोग भी जिनके पास प्रतिभा या क्षमता की कमी है अभी भी इस व्यवसाय से सफल हो सके। ब्रेकअवे प्लान जैसी प्रणाली केवल बेहद प्रतिभाशाली लोगों को सफल होने की अनुमति देता है। केवल सुपरस्टार स्तर के लोग ही सफलता प्राप्त करेंगे। मैं MLM भाषा का प्रयोग करूंगा क्योंकि आप सभी नेता हैं। यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे तो जितना हो सके उतना बेहतर करने का प्रयास करें। इस प्रणाली में आप अपने भागीदारों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डाउनलाइन में जोड़ सकते हैं बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के। MLM सिस्टम जहां आप विस्तार कर सकते हैं, हालांकि आप कृपया इसे एक समान मुआवजा योजना के रूप में जानते हैं। MLM में आपके पास एक मैट्रिक्स प्लान भी है जो या तो बाइनरी या ट्राइशेरी मैट्रिक्स होते हैं। ये ज्यादातर 2/12 और 3/9 होते हैं। दो पंक्तियों वाले मैट्रिक्स को बाइनरी मैट्रिक्स कहा जाता है, जबकि 3 पंक्तियों वाला एक ट्राइशेरी मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। चूंकि बाइनरी मैट्रिक्स 2/12 पैटर्न का अनुसरण करता है, तो यहां आप 2 के 12 स्तरों को भर रहे हैं। ट्राई शेयरिंग मैट्रिक्स के लिए आपको एक बार में 3 लोग मिलेंगे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक आप पहले स्तर तक नहीं पहुंच जाते हैं। इस प्रणाली में आप अपने भागीदारों को पंजीकृत करेंगे इस क्रम में कि वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर शामिल हो, जबकि कोई व्यक्ति अपने मैट्रिक्स को पूरा करने का प्रबंधन करता है। प्रायोजक फिर एक और नया मैट्रिक्स बनाएगा और भरेगा। चूंकि यूनि लेवल और मैट्रिक्स सिस्टम थोड़े आदिम हैं, कई MLM कंपनियां उनका उपयोग नहीं करती। इन योजनाओं के साथ काम करना असंभव है क्योंकि ये मूल रूप से एक संख्या का खेल है। MLM कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अगली प्रणाली ब्रेकअवे प्लान थी। ब्रेकअवे प्लान में प्रायोजक स्पॉन्सर अनिवार्य रूप से समूह के लिए टीम लीडर होंगे और वे असीमित रूप से लोगों को अपनी डाउनलाइन में जोड़ सकते हैं। एक समान मुआवजा योजना की तरह काम किया। हालांकि एक स्तरीय प्रणाली की के विपरीत इन समूहों को रोल अप किया जा सकता है और फिर ब्रेकअप, इसलिए नाम समूह से। आमतौर पर ये समूह अलग हो जाते हैं जब वे निश्चित बिक्री मात्रा तक पहुंचे। अलग होने वाले समूहों की संख्या के आधार पर आपको डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड के रूप में लेबल किया जाएगा, डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे। इसीलिए आपके पास जितने स्वतंत्र समूह हैं, चाहे वो 3, 6, 9, 12 हो, 18,
समूहों आपकी रैंक निर्धारित करेगी। अगर आपको 6 या 9 ग्रुप बनाने हैं जो 10 मिलियन पीवी कमा रहे थे, ये आसान होगा या कठिन? बेशक ये मुश्किल है ना। जब आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं, आपको कितने पीवी की आवश्यकता थी? आपको दोनों तरफ कम से कम 25 लाख पीवी चाहिए बमुश्किल एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए, है ना? हाँ, जब आपने दोनों तरफ 25 लाख पीवी जमा किए, आपने उस महीने में कितना कमाया? हाँ, यदि आप इसे एक महीने तक बनाए रखते हैं तो आप लगभग 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, ये औसत है। हालांकि इस प्रणाली के साथ आप ऐसे समूह बना रहे हैं जो प्रत्येक के 10 मिलियन पीवी बनाते हैं, ऐसा आप हर महीने करें, क्या आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? हाँ, यदि प्रत्येक लेग पे 25 लाख पीवी जमा हो रहे हैं तो ये देखिए, बाइनरी प्लान पहले से ही कठिन है, पर क्या आप 24 समूह बनाने की कल्पना कर सकते हैं जो 10 मिलियन पीवी कमाते हैं? यदि आप ये कर सकते हैं तो आपको स्विच करना चाहिए, क्योंकि आप महीने में 10 लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं। आप शायद एक साल में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। एटमी में हमने पहले ही मुआवजे की सीमा तय कर दी थी, है ना? अतः इस प्रकार की प्रतिभा वाले लोगों के लिए एटमी हानिकारक हो सकती है। यदि आप कर सकते हैं तो अपना हाथ उठाएं। यदि आप कम से कम 9 समूह या 12 समूह बना सकते हैं जो 10 मिलियन पीवी जमा करेगा, उस व्यवसाय में सुपरस्टार बनना आपके लिए बेहतर हो सकता है। फिर भी इन सुपरस्टार्स को मुआवजा देने के लिए कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? हालांकि ये सुपरस्टार जोर देते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। हर किसी के पास इस व्यक्ति के समान प्रतिभा या क्षमता नहीं होती है। ये सुपरस्टार एमएलएम के बारे में सिर्फ एक किताब नहीं लिखते हैं, ये वास्तव में कई पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। ये लोग सिस्टम बना और व्यवस्थित कर सकते हैं सक्सेस एकेडमी या एटमी के वन डे सेमिनार की तरह, और फिर ये सेमिनार खुद चलाते हैं। सुपरस्टार केवल सुनने के बजाय इन प्रणालियों को शुरू से ही बनाते हैं, इसीलिए योग्यता वाले लोग इस प्रकार के एमएलएम व्यवसाय करते हैं। दूसरी ओर एटमी ने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। मैंने सोचा उन आम लोगों का क्या जो सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग इन एमएलएम कंपनियों में काम कर सकते थे। हालांकि हम में से अधिकांश लोग इतने असाधारण नहीं है। जैसे एटमी ने 2 डाउनलाइन के साथ जाने का फैसला किया। यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति को भर्ती कर सकते हैं तो भी हमने आपको ऐसा करने से रोका। हमारा कंप्यूटर सिस्टम इसे ब्लॉक कर देता है। फिर ये व्यक्ति कहां जाए? इस भागीदार को आपकी 2 डाउनलाइन में से एक में रखा जाएगा। अनिवार्य रूप से हम एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना? क्या ये व्यवस्था एकता या समझौते के बारे में है? ये प्रणाली केवल आपके बारे में है। आप इस योजना में एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में एक साथ काम करना लगभग असंभव है, क्योंकि आपको बगल में विस्तार करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे की ओर नहीं। इस प्रकार ये प्रणाली एकता को रोकती है और व्यक्तिगत प्रतिभा को बढ़ावा देती ही है। आपको अपने दम पर सफलता हासिल करनी है। एटमी के बारे में क्या? खैर, मान लीजिए कि ये व्यक्ति कुशल है और उसके 2 साथी थे जिनमें किसी भी योग्यता की कमी थी। प्रतिभावान व्यक्ति यदि किसी को भर्ती भी करता है तो भी वो उसे यहाँ नहीं जोड़ सकता। इसके बजाय वो उन्हें यहाँ या यहाँ या यहाँ तक की नीचे रखने के लिए मजबूर है। सिस्टम आपको केवल अपनी 2 डाउनलाइन पर निर्माण करने की अनुमति देगा। संक्षेप में, सक्षम व्यक्ति उसके डाउनलाइन में रहने वाले भागीदारों की मदद कर रहा है। इसीलिए हम सुपरस्टार से कह रहे हैं, दूसरों की मदद करो और साथ मिलकर काम करो। हमारा सिस्टम इसी तरह काम करता है। अब आप कहां काम करना चाहेंगे? आप
अकेले काम करना चाहेंगे या दूसरों के साथ काम करना चाहेंगे? उत्तर स्पष्ट है, आपको यहाँ होना चाहिए। अब क्या ये सब करने के बाद इस व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ? क्या उसे कोई नुकसान हुआ? नहीं, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सब कुछ कहाँ समाप्त होता है? ये सब उसके डाउनलाइन में जाएगा। वो प्रणाली जो न केवल आपके नुकसान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये आपको और आपके भागीदारों को एक साथ सफलता प्राप्त करने में भी मदद करता है। यही है बाइनरी प्लान जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। वो कहते हैं पीवी कम होने के कारण आपको एटीएमई में मुआवजा नहीं मिल सकता है। अच्छा, वो लोग मूर्ख हैं और एमएलएम के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों है। कोरिया में क्या कंपनियां अपनी बिक्री के 35% से अधिक की क्षतिपूर्ति कर सकती है? वे नहीं कर सकते हैं, है ना। एटीएमई वर्तमान में लगभग 34% प्रतिपूर्ति करता है, तो मूल रूप से हम 35% वापस कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ये भविष्य में थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि चावल और पानी जैसी चीजों से 35% वापस देना संभव नहीं है। इस प्रकार पीवी के ऊपर हमारे पास बीवी नाम की कोई चीज भी नहीं होती है। एटीएमई में हमने इस बीवी के 35% की क्षतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया। वो सब कुछ वापस दे रहे हैं जो हम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या दूसरी कंपनियां कह सकती हैं कि वे हमसे अधिक या कम भुगतान करते हैं? नहीं, वे नहीं कर सकते। यदि वे करते हैं तो आप पूछ सकते हैं वे कितना भुगतान करते हैं। यदि आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं तो वो कितना प्रतिशत देते हैं? यदि वे कहते हैं 50%, तो आप कंपनी को अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 35% निर्धारित किया है कोरिया में। जब आप केवल 35% प्राप्त कर रहे हैं, क्या उस प्रतिशत को प्राप्त करना बेहतर है एक छोटी पाई या बहुत बड़ी पाई से? बड़ा वाला बेहतर है, लेकिन इस पाई को पाने के लिए क्या आपको लगता है कि माल की कीमत अधिक या कम होनी चाहिए? पीवी की परवाह किए बिना ये पाई तभी बढ़ सकती है जब कीमत कम हो। क्या आप समझते हैं कि ऐसा क्यों है? यदि हम एक ही समय में पीवी और कीमतें दोनों बढ़ा देते हैं, क्या पाई बड़ी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एटीएमई में हमारे पास स्किन केयर 6 सिस्टम है। ये उत्पाद आपको 1 मिलियन पीवी दे सकता है। हालांकि कीमत लगभग 80,000 होती है, ये अच्छा है ना। मैं आपको सभी पीवी घटाकर मूल्य वर्धित कर दे रहा हूं। पाने के लिए आपको केवल 5 सेट बेचने की आवश्यकता होगी। 25 लाख पीवी चाहिए प्रत्येक चरण में सेल्स मास्टर बनने के लिए। यह अच्छा और आसान है। क्या हमें इसे इस तरह करना चाहिए? यदि आप प्रत्येक चरण के लिए 5 सेट या 2.5 सेट बेच सकते हैं उपभोक्ताओं के लिए जो आपको मिलते हैं, और मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपए प्राप्त करें, ये वास्तव में बहुत अच्छा होगा, है ना। हालांकि यदि कीमत 80,000 पर सेट की गई थी, क्या अन्य लोग इसे खरीद रहे होंगे या सिर्फ आप ही? आप इसे खरीदने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे होंगे और उसके बाद ऐसा करने से मुआवजे की अपेक्षा करें। जो लोग ना समझ है वो ऐसा कर रहे होंगे। आप इसे इस कीमत पर नहीं बेच पाएंगे। मान लें कि हम इस सेट को 5,500 में बेचते हैं, ये बहुत किफायती है। क्या होता अगर हमने कीमत कुछ और बढ़ा दी होती तो? मान ले 26,000 रुपए जैसा कुछ, 70,000 रुपए के बजाय, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। भले ही ये 26,000 प्रति सेट पर बेचा गया हो, आप अब भी शायद उनमें से कुछ को बेच सकते हैं, है ना। फिर एक सेट को 26,000 रुपए में बेचेंगे। बेचने की कोशिश करने से आसान हो सेट जिनकी कीमत 5,500 रुपए प्रत्येक है। मैं अपने प्रश्न को फिर से बताता हूं। यदि आपने एक सेट 26,000 में बेचा है, क्या लगता है लोग स्वतः ही उसे पुनर्खरीदेंगे? क्या आपको पुनर्खरीद मिल रही होगी? यदि आपने एक सेट 5,500 में बेचा है, जाहिर है आप सफल होंगे। मान ले कि आपने प्रत्येक मूल्य पर एक सेट बेचा है, क्योंकि आपको 5,500 के सेट पर पुनर्खरीद मिल रही होगी। आप एक साल में कितनी बिक्री करेंगे? इसमें कुल 12 सेट होंगे।
26,000 के सेट के लिए भले ही आपको इसे बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, क्या आपको पुनर्खरीद मिलेगी? आप नहीं करेंगे। वर्ष के अंत में आप केवल एक ही बेचते हैं। बिक्री के मामले में कौन सा बड़ा है? यदि आप एक सेट को 26,000 में बेचते हैं तो कुल मिलाकर अभी भी 26,000 होगा। फिर भी यदि आप 12 सेट 5,500 में बेचते हैं, स्वचालित बिक्री के माध्यम से ये बिक्री लगभग 55,000 से 65,000 होगी। इस तरह से बिक्री बढ़ाई जा सकती है। जैसे पीवी कितना भी कम क्यों ना हो, क्या हमें कीमत कम करनी चाहिए या नहीं? हमें कीमत कम करने की जरूरत है। अगर हम ऑटो उपभोक्ता बनना चाहते हैं, जो हमें ऑटो सेल्स मास्टर बनने की अनुमति देगा, आपके डाउनलाइन में आपके भागीदारों को ऑटो डायमंड सेल्स मास्टर बनने की आवश्यकता है। यदि आप एक ऑटो डायमंड मास्टर के रूप में पदोन्नत होना चाहते हैं, इसीलिए कीमत कम करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं करते हैं। इस प्रकार जो लोग मानते हैं कि वे स्मार्ट हैं, MLM के साथ अपने पिछले अनुभव के कारण कुछ इस तरह कहेंगे, वाह, जब पीवी इतने कम है तो मैं पैसा नहीं कमा सकता। यदि आप व्यवसाय के बारे में नहीं जानते तो आप सोचेंगे वे सही होंगे, कम पीवी में होना चाहिए जिससे मेरे लिए ये मुश्किल हो गया। आप इतने निराश हो जाते हैं कि आप उच्च पीवी वाली MLM कंपनी में स्विच करते हैं। आमतौर पर ये उत्पाद निम्न गुणवत्ता वाले सामान होते हैं जो सैकड़ों डॉलरों में बेचे जाते हैं। इसलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी का शुल्क लेना शुरू कर देते हैं। आप अपने दोस्तों से कहते हैं, चलो पैसे कमाते हैं, आपको बस अपने कार्ड से स्वाइप करना है। ये बुरी प्रथाएं बहुत पहले से हैं। एटमी ने आखिरकार इसे खत्म कर दिया। आपको अनिवार्य रूप से अपनी पीवी मुफ्त में प्राप्त होने चाहिए। उत्पादों के बढ़िया और कम कीमत वाले होने के कारण, पुनर्खरीद होने के कारण, आपके पीवी बोनस की तरह कुछ अतिरिक्त होने चाहिए। आपको अपना पैसा खर्च करके कभी पीवी जमा नहीं करना चाहिए। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसे उत्पाद नहीं खरीदने चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप केवल वही पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपने खर्च किया होता है डिस्काउंट स्टोर और टीवी होम शॉपिंग पर सामान उत्पादों के लिए, तो ये अतिरिक्त खर्चा नहीं कर रहा है ना? एटमी व्यवसाय करने के लिए अपने पैसों का उपयोग करना मूर्खता होती है। इस तरह से आपको यह व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इसलिए पीवी जैसी चीजों को लेकर ज्यादा चिंता ना करें। ये वो शब्द है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले उल्लेख किया था कि लोग अच्छे डाउनलाइन और समूह के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे मूर्ख लोग ही इन बातों के बारे में बोलते हैं। तो आपके मुंह से ये बातें कदापि ना कहना। आपके पास एक अच्छा प्रयोजक हो सकता है या एक डाउनलाइन जो बहुत सहायता प्रदान करती है। हालांकि गुड डाउनलाइन जैसे शब्द या गुड ग्रुप आपको कभी मुंह में नहीं लाने चाहिए या गुड ग्रुप आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। या अपने आसपास किसी से भी जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो क्या है। एटमी हमारी मार्केटिंग के लिए बाइनरी प्लान का उपयोग करता है ना? मान ले कि एक अच्छे प्रायोजक के कारण ये डाउनलाइन अच्छा काम कर रही है और दूसरी ओर ये प्रायोजक अच्छा नहीं करता, प्रतिभा की कमी और खोने के कारण। आप सोच सकते हैं मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं वहां जाऊं। यदि आप इतनी छलांग लगाते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? यहां प्रायोजक कोई आय नहीं करेगा, है ना? यहाँ एक साथ ही ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके पास जो दो डाउनलाइन हैं, उनके बीच क्या यह संभव है कि उनमें से एक दूसरे से बेहतर कर रहा हो? यदि हम इसे इस व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें, तो अच्छा लगा जब लोग उसके डाउनलाइन पर आते थे। अब जब उस तरह का चलन मूड सेट करने लगे, लोग सोचेंगे चूंकि आप केवल सफल हो सकते हैं एक अच्छे डाउनलाइन और प्रायोजक के साथ, मैं वहां जाना बेहतर समझता हूं। चूंकि एक डाउनलाइन बेहतर करती हुई प्रतीत होगी और प्रजा के लोग वहां झुंझलाएंगे, है ना?
जब ऐसा होता है तो क्या ये व्यक्ति पैसा कमा सकता है? नहीं। आइए कल्पना करें कि इस स्तर पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ के लोग फिर से बेहतर डाउनलाइन पर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये पूरे संगठन को तबाह कर सकता है। इसीलिए आपको कभी भी उल्लेख नहीं करना चाहिए। कैसे एक डाउनलाइन या ग्रुप दूसरे से बेहतर है? क्योंकि आप सभी रॉयल मास्टर्स के रूप में सफल होने की योजना बना रहे हैं, है ना? जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं, हाँ, एक लेग बहुत अच्छा नहीं करेगा जबकि दूसरा नहीं बनता और आपका छोटा लेग बन जाता है। ये आपके डाउनलाइंस में अनिवार्य रूप से होगा। वह घटना जहां छोटी डाउनलाइन के लोग बेहतर प्रदर्शन करने वाले और बेहतर प्रदर्शन करने वालों की ओर शिफ्ट करे, वास्तव में बाइनरी प्लान में हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऐसा होने से रोकना भी बहुत मुश्किल है। तो इस कमजोरी को क्या रोक सकता है? यही से ये बाइनरी और ट्राइशेयरी मैट्रिसेस बनाए गए थे, ताकि लोग सिर्फ पदों को भर सके और व्यापार को निष्पक्ष तरीके से करें। लोगों ने मिलकर सफल होने के विचार से शुरुआत की, लेकिन अंत में कोई भी पैसा नहीं कमा पाया। इस प्रकार के व्यवसाय केवल कुछ महीनों तक ही चलते हैं। मुझे अभी तक एक को देखना है जो 3 महीने से अधिक समय तक चला। वर्तमान में आम लोगों के लिए एक ही रास्ता सफलता प्राप्त करने के लिए है, बाइनरी प्लान। वो है, इसके अलावा हमारे कमीशन की इकाई राशि और उसके साथ एटमी का स्थिर विपणन और प्रवेश और रखरखाव शुल्क की कमी, हमारी मस्टिस रणनीति का पालन करने के साथ ने हमें अपनी बिक्री बनाए रखने की अनुमति दी है। इस प्रकार एटमी टिकता नहीं है। हमारी मार्केटिंग योजना के साथ हमारी बिक्री विपणन योजना अपने आप में कमजोर है। नई बिक्री सृजित करने के संदर्भ में इसके बजाय हम अपनी उत्पाद शक्ति का उपयोग करते हैं, जो हमें अन्य वितरकों के साथ वास्तव में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। ऐसे में क्या आप एक अच्छी डाउनलाइन की तलाश करेंगे या बेहतर होने पर भी अपना मुंह बंद रखेंगे? आपको इस बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए कि कौन सी डाउनलाइन बेहतर है। यही कारण है कि एटमी वन सर्वर सिस्टम पर आधारित है। इस सब से कोई सरोकार नहीं है।